Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. Dhyanamool Guru Chaitya hai Sat Puja Guru Paad Mantra Mahat Guru Vakya hai Mukha Ashirvaad Anikant Srishti ke Abhang Darshi 24 Tirthankar Paramatma ko Vandan Naman Gyan evam Gyani Bhagwant Gurudev evam Guruvarya Shri Ji ke Charno mein Vandan Upastit Sabhi Divya Bhavya Atmae Aapke Divyata ko Naman Aaj ka Hamara Vishay ऊर्जा विज्ञान एनर्जी इस सृष्टि में मूल रूप से दो तत्व हैं जीव और पुद्गल जैन दर्शन और भी अन्य सभी दर्शन दो तत्व की बात करते हैं शिव शक्ति पुरुष प्रकृति यानी अलग-अलग दर्शन में अलग-अलग नाम दिए गए हैं लेकिन मूल रूप से दो तत्वों की चर्चा की गई है पुरुष और प्रकृति पुरुष क्या आत्मा शिव जीव एक ही बात है और शक्ति प्रकृति या पुद्गल या आम भाषा में ऊर्जा एनर्जी यानी एक तत्व है जीव यानी आत्मा जो कि भाव प्रसारित करता है जो भाव प्रसारित करता है जिसके अंदर आत्मिक योग्यता है और उस योग्यता के चलते वो भाव प्रसारित करता है और दूसरा तत्व जो है प्रकृति पुद्गल ऊर्जा वो ऊर्जा उस भाव प्रसारण से घटनाओं को बनाती है उस भाव के साथ मिलके तो जब दोनों का संयोग होता है तब ये सृष्टि बनती है चलती है और बिगड़ती है यानी नष्ट होती है यानी ब्रह्मा रूप होती है ब्रह्म रूप यानी ब्रह्मा यानी पैदा होना जनन बढ़ना विष्णु यानी पालन पोषण सतत चलना और शिव यानी नष्ट ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन शक्तियां तो पूरी सृष्टि इन घटनाओं में यानी कैसे घटना बनती है चलती है और फिर नष्ट होती है हमारे भाव उठे तब कोई प्रकृति में घटना बनी वो चली कुछ टाइम तक पुद्गलों ने एक रूप लिया वो कुछ टाइम तक चला और फिर नष्ट हो गया आज साइंस कहता है कि हर वस्तु को हर चीज को अगर बहुत बारीक से बारीक टुकड़े करके देखा जाए तो क्या है वो ऊर्जा अणु फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन मूल रूप से वो सब क्या है उनके भी अगर टुकड़े किए जाए तो ऊर्जा यानी कुछ भी नहीं है जो आज हमें जो चीजें ठोस दिखाई दे रही है वो सब ठोस नहीं है केवल ऊर्जा है हमारा भाव प्रसारण हुआ कि ये कुर्सी ऐसी बननी चाहिए ये ऐसा बनना चाहिए वो भवन ऐसा बनना चाहिए मेरा घर ऐसा बनना चाहिए ये घटना इस तरह से घटनी चाहिए हमारे अंदर ये भाव उठा प्रकृति में गया और पुद्गलों का संयोग उसने लिया और उस ऊर्जा ने एक रूप लिया और वो वस्तु बन गई ये इस तरह से पूरी सृष्टि चल रही है तो ऊर्जा एक बहुत ही विराट व्यापक शब्द है हर विज्ञान में हर तरह के विज्ञान में ये लागू होता है अब हम इसको बहुत सारी विधाओं में हम इसको समझ सकते हैं अगर हम देखें एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का विज्ञान वास्तु का विज्ञान तंत्र का विज्ञान मंत्र का विज्ञान यंत्र का विज्ञान सब कुछ क्या है अगर इनको एक शब्द में कहना है तो केवल और केवल ऊर्जा
कि ये सब कुछ क्या है, ऊर्जा, कि कैसे हम पर प्रभाव पड़ता है और कैसे ये काम होता है, कैसे घटनाएं बनती है। अगर ये विज्ञान हमें समझ आ जाए तो बहुत बड़ा काम ये हो सकता है कि हम अपनी सृष्टि स्वयं बना सकते हैं, हम अपनी घटनाएं स्वयं बना सकते हैं, और अगर कोई चीज़ बनी है तो कैसे हम उसको मोड़ भी सकते हैं, कैसे हम उसको बदल भी सकते हैं, कैसे हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर हमें इतना साइंस समझ में आ जाए तो। तो यानी हमारे हाथ से बाहर कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वो हमारे हाथ में है, कोई और कुछ भी बनाने वाला नहीं है, हमारी सृष्टि के रचयिता हम स्वयं हैं। ये बात अभी क्वांटम फिजिक्स इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है, तो बहुत तरीके से बहुत नए नए विज्ञान इस पे डेवलप हो रहे हैं कि कैसे ये सारी घटनाएं बनती है, कैसे हमारे विचार हमारे भाव जब उठते हैं तब वो घटनाओं का रूप लेते हैं। इसे हम कुछ इस तरीके से समझेंगे कि जैसे आपने नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जी एनर्जी है लेकिन हम जनरली या तो उसको पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं या नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, दो तरह की एनर्जी में हम उसको, हालांकि मूल रूप से देखा जाए तो एनर्जी में कोई फर्क नहीं होता है, उस एनर्जी शुद्ध रूप से एनर्जी ही है, उसमें जब हमारे भाव मिक्स होते हैं, जब हमारे विचार मिक्स होते हैं तब वो पॉजिटिव या नेगेटिव बनती है। आसपास का पूरा वातावरण, हमारा विचार, हमारा भाव, वहाँ की हवा, वहाँ की मिट्टी, सब कुछ मिल करके, पूरा वातावरण मिल करके उस एनर्जी को पॉजिटिव या नेगेटिव रूप देती है। तो अब सबसे पहले हम वास्तु के हिसाब से इसको समझते हैं। जितनी भी दिव्य शक्तियों के बारे में आपने सुना है, सारी के सारे दिव्य शक्तियाँ क्या है? ये जो देवी देवताओं की जो बात हम करते हैं वो सब क्या है? वो सब ऊर्जा है। लक्ष्मी है, चाहे गणेश है, चाहे कोई भी देवी देवता आप ले लें, पद्मावती है, जैन दर्शन पद्मावती माता की बात करता है, तो ये जो भी देवी देवता है, जो भी दिव्य शक्तियां हैं, वो सब भी एनर्जी है, डिवाइन पावर, वो सब भी एक दिव्य शक्तियाँ हैं, ऊर्जा है, वो ऊर्जा के रूप में काम करती है। जैसे हम जैन दर्शन में पद्मावती माता का को भवनपति देवलोक की महारानी बोलते हैं, यानी भवनपति देवों का स्थान कहाँ होता है? इस धरती के नीचे। और हिंदू दर्शन क्या बोलता है कि शेष नाग पर पूरी पृथ्वी लगी हुई है, बैठी हुई है। अब शेष नाग क्या है? उत्तर से दक्षिण की तरफ एक ऊर्जा चल रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ एक ऊर्जा चल रही है, और वो जो ऊर्जा है उसी को, उसी दिव्य शक्ति को धर्णेन्द्र पद्मावती या शेषनाग, कोई भी नाम अलग अलग दर्शन में दिए गए हैं, लेकिन मूल रूप से ये वही शक्ति है। तो इस पूरी सृष्टि में धरती के अंदर उत्तर से दक्षिण की तरफ एक ऊर्जा चलती है, और आकाश में पूरब से पश्चिम की तरफ एक ऊर्जा चलती है, सूर्य जहाँ से उदित होता है वहाँ से ऊर्जा मिलती है और पश्चिम की तरफ जाता है, तो वो पूर्व से ऊर्जा आती है, पश्चिम की तरफ जाती है। इसी तरह से धरती के अंदर उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण की दिशा बिल्कुल खाली मानी गई है, रिक्त स्थान माना गया है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। आकाश में अगर हम देखें तो उत्तर दिशा की तरफ ध्रुव तारे का स्थान बताया गया है, यानी वहाँ से ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा आने के स्थान है। अब जहाँ से ऊर्जा मिलती है, हम सब भी किससे चल रहे हैं? ऊर्जा से चल रहे हैं। अब जहाँ हमें ऊर्जा मिलेगी वहाँ हम स्वस्थ रह पाएंगे, जहाँ ऊर्जा नहीं मिलेगी वहाँ स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो उस वास्तु को अगर
बहुत संक्षिप्त शब्दों में समझना है तो बात इतनी है कि जो ऊर्जा का प्रवाह प्राकृतिक रूप से चल रहा है धरती के अंदर और आकाश के अंदर, अगर वो हमारे अनुकूल है तो वो वास्तु सही है, और अगर वो हमारे अनुकूल नहीं है तो वो वास्तु हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर हमें ऊर्जा नहीं मिल रही है तो वो वास्तु हमारे लिए प्रतिकूल है। तो हमें यहाँ ये सब चीज़ें समझनी है कि किस प्रकार से ये हमें प्रभावित करती है। अब ये पांच तत्व, पृथ्वी तत्व, तो जब किसी भी स्थान पर आप जाते हैं धरती पर पैर रखने के साथ, अगर आप संवेदनशील हैं तो धरती की ऊर्जा अपने आप आपको बता देगी वहाँ का इतिहास क्या है, आगे उसका भविष्य क्या है, और वास्तु के अंदर इसको विशेष रूप से चेक किया जाता है क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर है हम, हमारी आधारशिला पृथ्वी। पृथ्वी की एनर्जी कैसी है, उस जगह की, उस वास्तुखंड की जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं, वहाँ की ऊर्जा कैसी है। तो धरती की अपनी एक ऊर्जा है, उस पत्थर जिसको हम बोलते हैं कि नहीं पत्थर में, इन सब में भी जीव जैन दर्शन तो मानता ही है और अब विज्ञान भी मानता है क्योंकि पर्वत पहाड़ ये सब कुछ भी घटते हैं, बढ़ते हैं, खिसकते हैं, इनमें भी समय के साथ परिवर्तन होता है। पहले बहुत साल, बहुत वर्षों पहले जहाँ पर जो था वहाँ पर आज वो नहीं है, कहीं पर पहले नदी थी आज वहाँ पर मरुस्थल हो गया है, कहीं पर मरुस्थल था वहाँ पर पहाड़ हो गए। तो ऐसे पूरी प्रकृति घूमती रहती है, बदलती रहती है, उसमें बहुत कुछ बदलाव आते रहते हैं क्योंकि ऊर्जा है। हम सब जो स्टोन पहनते हैं, रत्न जो पहनते हैं, तो वो सब भी क्या है, उनके अंदर भी अलग अलग रंगों की ऊर्जा रहती है। धरती के अंदर बहुत बरसों तक जब वो जगह जगह दबे हुए रहते हैं तो एक विशेष वातावरण में उनके अंदर विशेष रूप से एक ऊर्जा आ जाती है और वो ऊर्जा किसी न किसी ग्रह से संबंधित होती है और वो हमें प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से ये धरती की ऊर्जा, जब कहीं पर भी हम जाते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि ज़मीन क्या कहती है। उसके बाद में जल तत्व, जल तत्व वास्तु के अंदर आप सभी जानते हैं कि जल का स्थान कहाँ पर, उत्तर दिशा की तरफ जल का स्थान माना गया है कि अगर कुआं या बावड़ी या कुछ भी ऐसा पानी का जो स्थान रखना है ज़मीन के अंदर तो वो उत्तर दिशा की तरफ रखा जाता है। तो उत्तर दिशा की तरफ क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा मिलती है, वहाँ से ऊर्जा आती है और पानी से ऊर्जा बहुत, जो पानी है जो हमारे घर का जो टैंक है तो वहाँ से जब पानी पूरे घर में जब फैलता है तो वो ऊर्जा उस पानी के साथ पूरे घर में फैलती है और हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए पानी का स्थान वहाँ पर बताया गया है। तो उसके पीछे पूरा के पूरा एक साइंस है, ऊर्जा का विज्ञान काम कर रहा है। इसी तरह से अग्नि तत्व, तो आग्नेय कौन, अग्नि का स्थान किचन कहाँ होनी चाहिए कि आग्नेय कौन में होनी चाहिए। अब ये हम सब जानते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हम वास्तु को नहीं मानते हैं, तो आप मानो या मत मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात फैक्ट है कि ऊर्जा तो हर प्राणी को प्रभावित करती ही है, उसके बिना जीवन संभव है ही नहीं। तो आग्नेय में, तो आग्नेय में क्यों, क्योंकि वहाँ पर अग्नि का स्थान माना गया है, वो स्थान में अग्नि रहती है, वो गर्म स्थान है। तो वहाँ पर जब खाना पकाया जाता है तो उसमें अपने आप से प्राकृतिक रूप से एक ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा हमारे भोजन को पकाने में सहयोगी होती है। फिर उसके बाद में वायु तत्व, अब वायु तत्व, वायु के लिए जो दिशा है तो वो उत्तर और पूर्व में, अगर घर में दरवाजे खिड़कियाँ है तो वहाँ से जो हवा आती है वो बहुत सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आती है। तो अगर उस दिशा में दरवाजे खिड़कियाँ हैं तो घर में अपने आप सभी स्वस्थ रहेंगे क्योंकि सुबह के समय में सूर्य की जो किरणें अगर घर में पूर्व दिशा से घर में अंदर आ रही है तो अपने आप वहाँ पर सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर के सकारात्मकता फैल जाती है। तो ये सहज प्राकृतिक
ऊर्जाएं हैं और जो इन नियमों के अंतर्गत काम करती है। हवा, तो अब हवा में भी कई सारी बातें हैं। हवा में जैसे आपने ऊपरी हवा के बारे में भी सुना है या नेगेटिव ऊर्जा के बारे में भी सुना है, तो वो क्या चीज़ है? जिस प्रकार ये हमने दिव्य शक्तियों की बात की है, तो उसी प्रकार से दूसरी शक्तियाँ भी, विपरीत शक्तियाँ भी, क्योंकि इस प्रकृति में दोनों प्रकार की शक्तियाँ, दोनों प्रकार की ऊर्जा हमेशा साथ में काम करती है, दोनों ही चीज़ें चलती ही चलती है, बैलेंस रहता ही रहता है। तो जैसे हमने दिव्य शक्तियों की बात की, तो वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा भी जगह जगह पर होती है। अब एक सामान्य रूप से जहाँ पर बहुत लंबे समय से जिस भवन में अगर मरम्मत नहीं की गई है या बहुत ज़्यादा दरारें पड़ी है, पुराना हो चुका है, पेंट वेंट कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो धीमे धीमे वहाँ पर जो पेंट उतर जाता है तो वहाँ पर जो आकृतियाँ बन जाती है, जाले बन जाते हैं या साफ़ सफाई नहीं है, तो वहाँ पर ये जो वाणवेंतर या हल्की जाति के जो देवी देवता होते हैं, तो ये सारी ऊर्जा वहाँ पर आकर के अपना घर, अपना स्थान बना लेती है और उसके बाद में ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। कम पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा, किस पर कितना पड़ेगा, ये एक अलग बात है, लेकिन अगर मेंटेनेंस नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, तो इन ऊर्जाओं का प्रभाव हमारे घर पे आ जाता है और वो हम पर प्रभाव डालती ही डालती है। अब उसके बाद में है वनस्पति तत्व। वनस्पति तत्व, जैसे आपने कई सारी वनस्पति के बारे में सुना है, वैसे तो वनस्पति में भी हर वनस्पति का अपना एक विज्ञान है कि कौन सी वनस्पति कहाँ पर लगानी चाहिए। जैसे तुलसी का जो स्थान बताया गया है, तो वो उत्तर, पूर्व, आग्नेय, यानी पूरा एक आधा सर्कल तक उसको लगाया जा सकता है। तुलसी का जो पौधा है, तुलसी के पौधे में बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहती है, ऑक्सीजन देता है, तो वो घर का वातावरण को शुद्ध करता है, सारी नकारात्मकता को दूर करता है। इसके लिए ही उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि उसे प्राण ऊर्जा मिल रही है, उससे स्वास्थ्य मिल रहा है, तो इसके लिए उसकी पूजा की जाती है। तो इसी प्रकार से और भी कई ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो छोटे छोटे पौधे हैं, तो वो उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ में लगाए जाते हैं, लेकिन जो बड़े वृक्ष हैं, जो भारी वृक्ष हैं, तो वो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ को, जैसे मैंने बताया कि वो खाली स्थान होता है, तो वहाँ पर अगर बड़े पेड़ वगैरह लगाने हैं और पीछे अगर खाली स्थान है, तो वृक्ष लगा करके उस स्थान को भारी किया जा सकता है और वहाँ से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोका जा सकता है। बहुत अच्छा एक उपाय होता है। लेकिन यही अगर बड़े भारी वृक्ष पूर्व दिशा की ओर है या उत्तर दिशा की ओर है, तो क्या होगा कि वहाँ से जो ऊर्जा आने वाली है, वो वृक्ष जड़ से उस ऊर्जा को खींच लेंगे और घर में वो ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। तो ये भी बहुत निर्भर करता है कि कहाँ पर कौन सी वनस्पति किस दिशा में होनी चाहिए। तो वनस्पतियों का अपना एक वास्तु है, अपना एक विज्ञान है। तो ये हुए इन पांच तत्वों की बात सामान्य रूप से। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट वास्तु की बात, ये तो जब हमने घर बनाया तब हमने इन सब बातों का ध्यान रख लिया। अब उसके बाद में दूसरी जो चीज़ होती है कि घर तो बन गया, आप रह रहे हैं, तो अब कौन सा वास्तु देखना। अब बना हुआ तो हम तोड़ेंगे नहीं, उसमें कुछ करेंगे नहीं, तो उसमें जो वस्तुएं हमने रखी है वो किस दिशा में कौन सी वस्तु रखी है, उसका अपना एक साइंस है कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर रखना है। पानी का मटका है तो कहाँ रखना है, फ्रिज कहाँ रखना है, टीवी कहाँ रखना है, खाने का टेबल, डाइनिंग टेबल कहाँ रखना है, या बेडरूम कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी अपना एक बहुत महत्व रखती है स्थान की वजह से, कि अगर आपने गलत जगह पर बैठ करके अगर आप खाना खा रहे हो, तो वो खाना आपको स्वास्थ्य नहीं देगा। कि आपने अगर नॉर्थ में या पश्चिम दिशा की तरफ अगर किचन है, या जो आग्नेय कोण में होनी चाहिए उसके वायव्य कोण में है, तो वहाँ पर जो खाना बनेगा वो इतना स्वास्थ्यप्रद नहीं होगा। तो ये एक सामान्य रूप से दिशा के माध्यम से हम ये जान सकते हैं, लेकिन केवल इतना ही जानना
पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा बहुत एक सूक्ष्म विषय है, उसको चेक करना वो एक बहुत अलग विधा है, उसका एक अपना विज्ञान है। हम दिशा के माध्यम से इतना तो जान सकते हैं कि कौन सा किस दिशा में होना चाहिए, ये सामान्य रूप से आपको पता भी है, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन सब से भी ऊपर जो बात विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए या जो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि ऊर्जा, मान लीजिए सही दिशा में आपने सही स्थान बनाया है या सही वस्तुएं रखी है, उसके बावजूद भी कई बार रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो वो किस कारण से, कि वो देखना पड़ेगा, वहाँ पे ऊर्जा चेक करके देखना पड़ेगा। तो ऊर्जा चेक करने पर पता चलता है कि उस स्थान में ये नहीं कुछ और प्रॉब्लम है, या इस जगह में ऊर्जा की कमी किस वजह से है, तब उसको चेक करके उसका उपाय बताया जा सकता है। तो कई बार दिशा और ये सारा सही होने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि वास्तु, इसके लिए ही लोगों का कई बार वास्तु पर से विश्वास उठ जाता है कि ऊर्जा क्या है, कैसे पकड़ा जा सकता है, उसको कैसे समझा जा सकता है, लेकिन उसका अपना बहुत गहरा विज्ञान है। हालांकि आज विज्ञान काफ़ी विकसित हो चुका है और जो भी वास्तु जानते हैं तो उनको पता है कि आज कई ऐसे स्कैनर आ गए हैं जो ऊर्जा को चेक करके बताया जा सकता है, जगह की ऊर्जा के बारे में देख करके बताया जा सकता है। ऐसे भी स्कैनर हैं जो जगह के साथ साथ में हमारे शरीर में कौन से केंद्र में कितनी ऊर्जा है वो भी चेक करके बताया जा सकता है। हम भी चेक करते हैं कि कहाँ पर आपके सहस्रार चक्र पर, आपके आज्ञा चक्र पर, विशुद्धि चक्र पर, अनाहत पर, नाभि पर, ये सारे मूलाधार पर, तो ये सारे चक्रों में कहाँ कितनी ऊर्जा है, कहाँ ऊर्जा बिगड़ी हुई है, कहाँ उसका संतुलन खोया हुआ है और उसकी वजह से आपको कौन सी बीमारियाँ आएंगी, इसका पूरा अपना एक विज्ञान है। तो और ये इतना गहरा और इतना सूक्ष्म है कि अभी तक एलोपैथी में आप जो टेस्ट करवाते हैं वो सारे एक्सरे है, चाहे सोनोग्राफी है, चाहे एमआई है, कुछ भी है, वो सारी रिपोर्ट तब आपको मिलती है जब आपके स्थूल शरीर में वो बीमारी अपने लक्षण पूरी तरह से प्रकट कर चुकी होती है। लेकिन ये तैयारी बहुत साल पहले से, बहुत समय से आपके सूक्ष्म शरीर में शुरू हो चुकी होती है। तो वो जो तैयारी है जो आपके सूक्ष्म शरीर में शुरू हो चुकी है उसको बहुत पहले पकड़ा जा सकता है, जबकि अभी तक अगर आप बाहर टेस्ट करवाने जाओगे तो पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन जो ऊर्जा के विज्ञान को जानता है, जो सारे केंद्र को चेक करना जानता है, तो वो देख करके बता देगा कि भविष्य में आपको कहाँ पर कौन सी बीमारी होने की संभावना है, और ये देख के बताया जा सकता है कि किस भाग में आपको, किस अंग में आपको ऊर्जा का संतुलन बराबर नहीं है और वहाँ पर आपको उससे संबंधित कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सा केंद्र आपका बिगड़ा हुआ है, कौन सा चक्र आपका बिगड़ा हुआ है और किस में संतुलन बराबर है, तो उसकी वजह से आपका नेचर क्या होगा और आपको कौन सी बीमारियाँ आ सकती है, आप किस तरह का व्यक्तित्व हैं, वो सारा चक्रों को चेक करके बताया जा सकता है। तो क्यों बताया जा सकता है? ऊर्जा की वजह से, वो सारा ऊर्जा का विज्ञान है। तो हम घर की जो बात कर रहे थे, जगह की जो बात कर रहे थे, तो जगह पे ये सारी, अब ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारे तत्वों की हमने बात की, ये सब तत्व क्या है? एकेंद्रिय है, उसके बाद में बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में है? पंचेंद्रिय में। पंचेंद्रिय में भी सन्नि पंचेंद्रिय, यानी हम, हमारे अंदर है, जो जितना ज्ञानी है, जो जितना संवेदनशील है, उसमें ऊर्जा उतनी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हम सामान्य रूप से इंसानों की बात करते हैं, तो घर के वास्तु की हम बात कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई कि इनमें कितनी कहाँ क्या ऊर्जा है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि घर में रहने वाले व्यक्ति की सोच, उसकी समझ, उसकी भाषा और उनका व्यवहार,
आपस में संबंध कैसे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। हर समय हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, भाव प्रसारण कर रहे हैं, और वो भाव, वो तरंगें हमारे पूरे घर में फैल रही है, हमारे पूरे जगह पर फैल रही है, और उस जगह को आंदोलित कर रही है, प्रभावित कर रही है, उत्तेजित भी कर रही है और शांत भी कर रही है। जैसा जैसा प्रभाव हम दे रहे हैं, वैसा वैसा प्रभाव उस जगह पर पड़ रहा है। तो अब बताओ कि हम अगर वास्तु में ये सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, देखनी चाहिए, और इन सब का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन मान लीजिए अब वो सब बन चुका, वो सब हो चुका, अब उसमें कहीं कुछ नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है कि अगर हम अपने आप को ठीक कर लें, अपने विचारों को शुद्ध कर लें, अपने भाव प्रसारण के प्रति जागृत हो जाएं, तो जहां हम बैठे वहां का वास्तु, वहां का ऑरा नहीं सुधार सकते, बहुत आराम से सुधार सकते हैं। अगर हमें सही में ऊर्जा समझ में आ जाए तो, अब आजकल देखा जाए तो वास्तु का एक फैशन चल पड़ रहा है कि जिसके पास बहुत पैसा है तो वो पहले वास्तु पे बहुत ध्यान देता है और ये सारी चीज़ें कराता है कि ठीक है, उसको संतुष्टि रहती है कि भाई उसके अनुसार बनाना, ये करना, सब करना, पूजा पाठ मैं स्वयं भी करती हूँ कि हाँ वो कैसे, उसकी चेक करनी है, वो करनी, मैं भी वो सब करती हूँ। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो लोग वहाँ पर रहने वाले हैं उनकी समझ कैसी है, वहाँ पर किस तरह की आवाज़ें। देखो, शब्द अपने आप में शक्ति है, ऊर्जा है। शब्द वैसे मृत है, लेकिन आप किस भाव के साथ बोले हो, किस ऊर्जा के साथ बोले हो, वो शब्दों को जागृत कर देते हैं। एक कोई भी शब्द, चाहे वो गाली का है, चाहे वो प्रेम से भरा हुआ कोई भी शब्द है, सिंपल सा लिखा हुआ है, कोई उसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन मैं अगर आपको बोलती हूँ और पूरे भाव के साथ बोलती हूँ, चाहे वो क्रोध में बोलती हूँ, चाहे प्रेम में बोलती हूँ, उसका असर होता है। मैं जिस केंद्र से बोलूँगी वो सीधा आपके उस केंद्र पर जाकर के टच करेगा और आपको आंदोलित करेगा, आपको प्रभावित करेगा, यानी शब्द के अंदर इतनी ऊर्जा है। तो अब देखो कि हमारे घर में किस प्रकार के शब्द बोले जाते हैं, किस प्रकार का आपस में व्यवहार होता है, किस प्रकार की भाषा बोली जाती है। हमारी भाषा के साथ साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, टेलीविज़न, जो कि हर समय आजकल एक फैशन बन गया है कि सुबह उठने के साथ में टेलीविज़न शुरू होता है और रात को सोने के बाद तक चलता रहता है। और अगर किसी घर में ऐसा हो रहा है, आप वहाँ जाकर के ऊर्जा चेक कर लीजिए, वहाँ की ऊर्जा 100% बिगड़ी हुई होगी। वो कितना भी वास्तु के हिसाब से बना हुआ होगा, लेकिन एक लंबे समय तक अगर उस घर में शोरगुल हो रहा है, यानी 20-20 घंटे, 15 घंटे टेलीविज़न चल रहा है, शोरगुल हो रहा है, दिन भर कुछ ना कुछ इतना लड़ाई झगड़े की आवाज़ें हैं या इस तरह की बातें हैं, तो वहाँ पर ऊर्जा अपने आप बिगड़ जाएगी, वहाँ जाकर के आपको शांति अनुभव नहीं होगी, घर में जो शांति अनुभव होनी चाहिए वो आपको फील नहीं होगी। तो शब्द में इतनी ताकत है, क्योंकि शब्द अपने आप में ऊर्जा है। तो ये एक महत्वपूर्ण तत्व है ऊर्जा के विषय में ध्यान रखने योग्य। और शब्द से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ जाता है हमारे विचार, हमारे भाव। भाव के संबंध में अभी हम बोलेंगे कि भाव का किसी से क्या लेना देना, मैंने अपने अंदर में सोचा तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको? बहुत फ़र्क पड़ता है। कैसे फ़र्क पड़ता है? कि हमारे जैसे विचार हैं, जैसे हमारे भाव हैं, वैसा हमारा ऑरा बनेगा। हमारा ऑरा हमारे विचारों से बनता है। अब हमारे विचार क्षण क्षण में बदलते हैं, तो हमारे ऑरा के रंग भी बदलते रहते हैं। तो ये जो हमारा ऑरा है, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर हम साथ में बैठते हैं या इतना भी पास में बैठते हैं, तो हमारा ऑरा एक दूसरे को टच करता है। और ऑरा जब टच करता है, तो अगर हम शांत हैं, थोड़े भी हम संवेदनशील हैं,
तो हमें पता चलता है कि कुछ हमें अच्छा या बुरा महसूस हो रहा है। आप मेरे बारे में जानकारी नहीं है, आपको अपने पास वाले के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अचानक जैसे कभी आप यात्रा कर रहे हो या कहीं पर बैठे हो और किसी के पास बैठने मात्र से आपको अच्छा अनुभव होता है, किसी के पास बैठने से आपको लगता है कि कब मैं यहाँ से उठ जाऊँ, कब ये मेरी सीट चेंज हो जाए। तो ये जो अच्छा और बुरा का जो अनुभव है, ये जो हमारे हृदय केंद्र से हमको जो अनुभव होता है, ये क्या है? ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी मैच होना, कि हमारे किससे किस तरह की ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी मैच होती है तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं मैच होती है तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये किससे बनी? ये हमारे विचारों से बनी, ये हमारे भावों से बनी। अब हमने ऐसा बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है कि जहाँ जहाँ महापुरुष लोग बैठते थे, ध्यान करते थे, तो वहाँ का पूरा वातावरण ही बदल जाता था। अब वो क्या बोलते थे? कुछ भी नहीं, ध्यान में बैठे हैं, बिल्कुल शांत होकर के बैठे हैं, लेकिन उनके मात्र मौन होकर के बैठने से वहाँ की पूरी ऊर्जा बदल जाती थी। इवन कहते हैं कि जिन जिन वृक्षों के नीचे महापुरुषों ने ध्यान किया, तो उस पूरे वृक्ष के जो पत्ते हैं, जो बीज हैं, उन सब का भी कहीं ना कहीं कल्याण होता ही है। उन सब की भी ऊर्जा, उन सब का भी ऑरा इतना बदल जाता है। तो कितनी बड़ी बात है कि उस ऑरा में जो भी आते हैं, जो भी जीव आते हैं, तो उन सब को एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, बिना शब्दों के, बिना किसी क्रियाकलाप के। तो ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव ऊर्जा का है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को देंगे तभी हमारे संबंध मधुर बनेंगे, या हम दान का मतलब केवल इतना ही है कि द्रव्य से हम कुछ दे रहे हैं, या ज़रूरी नहीं कि हम शब्दों से, ये भी है, शब्द भी है, लेकिन अगर आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है, तो आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पूरे वातावरण को शुद्ध करोगे, उसको सकारात्मक कर दोगे, तो अपने आप जगत का कल्याण कर ही रहे हो। जगत का कल्याण, समाज सुधार, उसके लिए कोई बाहर से बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। महापुरुष लोग जो तीर्थंकर या हम बहुत सारे ऐसे सिद्ध पुरुषों की बात करते हैं, तो कितने लोग जा पाते थे सामने, लेकिन कहते हैं कि पूरे जग में रोशनी, तो वो कैसे होती थी? उनकी ऑरा से, उनकी तरंगों से, उनके अंदर की सद्भावनाओं से, उनके अंदर की करुणा से, उनके अंदर के प्रेम से, कि वो पूरे वातावरण में, पूरी सृष्टि में फैल जाती थी। वो जहाँ भी जाते थे तो चारों तरफ इस तरह से वातावरण बदल जाता था। और अब ये चीज़ साइंस भी प्रूव कर चुका है। अभी कुछ टाइम पहले भारत के किसी योगी ने वाशिंगटन में एक प्रयोग करवाया था कि वहाँ पर 400 टीचर्स को ध्यान में बिठाया गया, और जब एक साथ में इतने लोगों ने ध्यान किया तो वहाँ पर हिंसात्मक जो घटनाएं हैं उसमें 50% कटौती हो गई। अब ये कितनी बड़ी बात है। अगर हम ओवरऑल भी देखें तो पूरे इस दुनिया में 4% लोग ध्यान करते हैं। 4% ध्यान करने वालों की ऊर्जा का फायदा 96% बाकी के लोग भी लेते हैं। इतना प्रभाव पड़ता है। अगर सोचो कि जहाँ पर भी ध्यान होता हो, मैं शब्दों की बात या क्रियाओं की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ पर भी ध्यान होता है, शांति के साथ में, एक साथ में लोग जब बैठ करके ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सद्भावना प्रसारित करते हैं, तो अपने आप उसका प्रभाव बहुत बड़े एरिया में पड़ जाता है। इसलिए सामूहिक प्रार्थनाओं का और सामूहिक ध्यान का प्राथमिक तौर पर बहुत महत्व है। विश्व शांति की बात जो लोग करते हैं तो वो इसी थीम को लेकर के करते हैं कि जब एक साथ में इतने सारे लोग एक ही स्थान पर बैठ करके ध्यान करते हैं तो वो वाइब्रेशन उस पूरे एरिया में बहुत दूर तक, कई किलोमीटर्स तक फैल करके पूरे वातावरण को बदल देती है। आप बहुत दूर बैठे हो, कई किलोमीटर दूर हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो,
लेकिन अपने आप यहाँ पर कुछ हो रहा है तो वहाँ तक भी आप बैठे हो तो उसकी वजह से आपको अंदर में एक शांति फील होगी, एक अच्छा सा फील आएगा। कहीं जो आपके अंदर रोज़ जो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव चल रहा था तो उसमें थोड़ी देर के लिए आपको सुकून मिलेगा। इतना प्रभाव पड़ता है ऊर्जा का और ध्यान का। जब हम शांत होते हैं तो इस प्रकार से ऊर्जा एक दूसरे को छूती है और प्रभावित करती है, और हम सब एक दूसरे की ऊर्जा से इतने प्रभावित हर समय होते भी हैं, प्रभावित करते भी हैं। अब कौन किससे प्रभावित होगा ये एक अलग बात है। तो इस संबंध में ऊर्जा का एक नियम है कि वो हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी से लो फ्रिक्वेंसी की तरफ बहती है। तो जिसकी विल पावर स्ट्रांग है, जो हाई फ्रिक्वेंसी वाला है, जो हाई एनर्जेटिक है, उसकी तरफ से ऊर्जा बह करके लो फ्रिक्वेंसी वाले की तरफ जाएगी। तो लो फ्रिक्वेंसी वाले पर हाई फ्रिक्वेंसी वाले का प्रभाव पड़ेगा। तो कौन किसको प्रभावित करता है इसका भी उत्तर आपको। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बात मानी जाए, हमारी बात लोग समझें, हम जो करें उसका प्रभाव पड़े, तो हमको अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये घटना घटे या हमें हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो, तो कैसे होगा? जब आप उस लक्ष्य को बहुत सारी ऊर्जा देंगे। जैसे ही आप एक लक्ष्य पर अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित कर देते हो, तब वो ऊर्जा जा करके उस घटना को बना करके आपके सामने ला देती है। और ज्योतिष में कुछ नहीं है, अगर उसको बहुत सिंपल तरीके से समझना है तो बात इतनी है कि हम जो भी रेमेडी देते हैं, जो भी हम उपाय करवाते हैं, तो उसमें हम केवल इतना ही करते हैं कि आपका ये काम, आपकी ये समस्या, आपको जो लग रही है कि मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी है, चाहे वो आर्थिक कमी है और चाहे वैवाहिक स्तर को लेकर के है, चाहे पारिवारिक कोई अशांति को लेकर के है, मैटर कोई भी हो, लेकिन वो जो बात है, वो जो समस्या है, उसका समाधान केवल इतना ही है कि उससे संबंधित, अगर आपको उस ग्रह से संबंधित ऊर्जा आपको बहुत ओग रूप में दी जाए, विशेष रूप से एक साथ में प्रवाहित की जाए, तो अपने आप वो घटना बनने लगती है। अब कई बार लोग बोल देते हैं कि ज्योतिष पर हमको इतना विश्वास नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि मैंने इतनी जगह अपनी कुंडली बताई या इतनी जगह मैंने समस्या रखी, लेकिन मुझे लगा कि मेरा काम नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण है? जबकि कई बार आपको बहुत सारे पंडित आपको बोल देंगे कि हाँ ठीक है, ये काम आपका इस समय तक हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं हुआ, तो इसका क्या कारण है? तो इसके भी हम गहरे विज्ञान में जाते हैं। एक्चुअली एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैंने अभी पीछे कुछ टाइम पहले कॉन्फ्रेंस में, जो ज्योतिष की कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें भी मैंने रखा था कि क्या हर सवाल का जवाब हाँ और ना में ही होता है? हो सकता है कि ये काम होगा या नहीं होगा, ऐसा है? 100% ऐसा नहीं है। 10 में से 6 काम के लिए कहा जा सकता है कि हाँ भाई आपका ये काम होगा और इतने समय में होगा, वो कुंडली देख करके बताया जा सकता है, लेकिन 4 काम जो है उसमें श्योरिटी नहीं है। एक एवरेज बता रही हूँ मैं, वो एवरेज थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। मैं एक, तो उसका क्या कारण है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं होती? हो सकता है किसी का एवरेज 8 का हो, किसी का 5 का हो, वो एक अलग बात है, लेकिन जो नहीं हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे बात इतनी है कि वो जो कार्य है जो आप चाहते हो, तो उसके लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा अभी तक नहीं मिली है, अभी तक वो ऊर्जा बनी ही नहीं है, तो इसलिए वो घटना नहीं घट रही है। इसको हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं। एक बार मैंने कोई कुंडली देखी किसी लड़की की, तो शादी का प्रश्न था, शादी के संबंध में प्रश्न था कि विवाह नहीं हो रहा है, तो उसकी कुंडली देखने के साथ में
अपने आप उस कुंडली से वो ऊर्जा महसूस हुई कि ये कुंडली पहले कई बार कई जगह पे जा चुकी है और देख करके इसको उपाय भी बताए गए हैं और इसने उपाय भी किए हैं। तो मैंने सीधा सा उसको बोला कि आपने पहले भी दिखाई है? बोले हाँ। मैंने कहा आपको उपाय भी बताए गए हैं और आपने वो उपाय भी किए हैं और आप कुछ व्रत वगैरह भी कर रही हैं? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे मुझे कुछ अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ है, मेरा काम नहीं हुआ। तो वो सब पे इसलिए हमारा इतना विश्वास नहीं है। तो हम चूँकि इस धर्म के, खैर बात धर्म की नहीं है, बात इतनी है। तो बोली कि क्या वो सब सही नहीं है क्या? मैंने बोला वो सब सही है, वो जितना किया ठीक है, लेकिन वो आपने अभी तक वो जितना किया बताया, उसने जो बताया वो सही बताया, अभी तक उससे 40% एनर्जी बन रही है। वो मैंने एक चेक की, तो वो चेक करने का मेरा अपना एक मापदंड है, या ऊर्जा को जो जानते हैं इतनी गहराई से तो उनका अपना एक मापदंड रहता है। तो वो अभी तक उस घटना को होने के लिए उतनी एनर्जी नहीं बनी है। तो अगर आप इसके लिए बहुत सारे एफर्ट और डालती हैं और उस ऊर्जा के लिए अगर आप कॉल करती हैं, एफर्ट डालती हैं, तो वो घटना बन जाएगी। तो उसके लिए आप इस तरीके से ये कीजिए, और वो करने के बाद में उसका काम हो गया। तो अभी सामान्य आदमी को लगता है कि वो पहले वाले गलत थे, ये था, ऐसा था। ऐसा हमेशा ऐसा नहीं होता है, हो भी सकता है। हम एक पक्षीय उत्तर नहीं दे सकते। हाँ, ये ऐसा है कि हम कभी भी एक पक्षीय उत्तर दे करके नहीं चल सकते किसी भी घटना को। हम सिर्फ हाँ या ना में नहीं समझ सकते कि ये काम होगा या नहीं होगा। आपने कहा था होगा लेकिन अभी तक हुआ नहीं, अरे वो नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपके भाव बदले हैं, कहीं ना कहीं आपके उतने एफर्ट ही नहीं रहे हैं, आपकी वो घटना संभावनाओं में थी। अब इस चीज़ को हमारे शास्त्र भी, मैं भी एक एग्जाम्पल आता है, भगवान महावीर स्वामी के जीवन की घटना आती है ना, अगर आपने महावीर स्वामी का चरित्र जैसे सुना होगा कि उनके साथ में गोशालक शिष्य रहता था, तो उसने चलते चलते रास्ते में पूछा कि ये जो पौधा है ये इसके इसका भविष्य क्या है? तो बोले कि उगेगा, ये बढ़ेगा। बोला अच्छा ठीक है, महावीर ने बोल दिया उगेगा बढ़ेगा। वो जैसे महावीर आगे गए, गोशालक ने लेकर के उसको पूरा जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया। अब क्या बोलेंगे कि चलो देखते हैं चैलेंज करके, लेकिन महावीर ने क्या देख करके बोला, ये आंसर कैसे दिया कि उगेगा? उन्होंने उस बीज की अंदर रही हुई उस सूक्ष्म ऊर्जा को देखा, उसकी भाव तरंगों को देखा कि उसके अंदर इतनी स्ट्रांग विल पावर है जीने की, बढ़ने की, उस ऊर्जा को देखा कि वो 100% है वो ऊर्जा। तो इसके लिए उन्होंने ऐसा जवाब दिया और वो उखड़ गया, उसने उखाड़ दिया। लेकिन ऐसा हुआ कि पीछे बारिश आई, मिट्टी पूरी गीली हुई और वो मिट्टी के अंदर दब गया और वो वापस उग गया, क्योंकि उसके अंदर जीने की जिजीविषा थी उस बीज के अंदर। तो उस बीज की सूक्ष्म ऊर्जा को देख करके उसका भविष्य प्रभु ने बताया। अब 6 महीने बाद, कुछ टाइम बाद में जब वापस वहाँ से गुजरना हुआ, तो गोशालक ने सोचा कि भाई वहाँ जाके देखते हैं क्या स्थिति है, महावीर ने जो बोला था वो बात कहाँ तक सत्य है। वहाँ जा करके देखा तो महावीर का कथन सही था कि वहाँ पर वो पौधा लगा हुआ है, खिल रहा है। तो उसके अंदर ये गहरी धारणा बैठ गई कि जो कुछ भी होता है वो निकाचित है, वो नियम से होगा ही, कि अगर होना है, नियति है, तो होगा ही। तब उसने फिर महावीर से पूछा कि प्रभु ये अब आगे होगा या नहीं होगा? बोला कि कदाचित हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे जाकर के बात बदल गई। आप जो कह रहे हो इसको इस एग्जाम्पल से समझना कि हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, इसका क्या मतलब हुआ? जी भी क्योंकि उसके अंदर 100% एनर्जी भी नहीं है। अगर परिस्थितियाँ मिली, अगर वातावरण अनुकूल मिला तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। देखो हम लाइफ में जहाँ सक्सेस नहीं होते हैं उसका कारण इतना ही है कुल मिला के कि हमारी विल पावर स्ट्रांग नहीं होती है, कमज़ोर होती है, हमारे एफर्ट्स में कमी होती है। बहुत सारा, बहुत बड़ा कारण अधिकतर यही होता है।
तो उसके बारे में ये बात कही गई। अब उसको वहाँ पर वो बात नहीं समझ आई और उसने ठीक है आगे उसको उखाड़ा और वो उसके बाद में नहीं रहा। तो ये चीज़ हमें बताती है कि आखिर एक ही पौधे के बारे में प्रभु ने अलग अलग समय में अलग अलग उत्तर क्यों दिए। अब अक्सर हम भी देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि जो कर्मों में लिखा है वो तो होगा ही, जो होना है वो तो होगा ही। अब बताओ ये बात सत्य है, ये गोशालक वाली मान्यता है? हम महावीर के दर्शन को मानते हैं तो वहाँ पर ये बात लागू नहीं होती है। कुछ घटनाएं निकाचित होती है लेकिन बहुत सारी घटनाएं संभावनाओं में होती है। तो वो ऊर्जा की वजह से कम ज़्यादा आगे पीछे छोटी बड़ी बदली जा सकती है, उसको बनाया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, उसके आवेग को कम ज़्यादा किया जा सकता है, ये सब कुछ संभावनाएं रहती है। इसलिए ऊर्जा को समझना इतना ज़रूरी है कि अगर हमारा कोई काम नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है। अगर हम उसके बारे में रिसर्च करें और केवल उस लक्ष्य के प्रति आपको कुछ नहीं आता है, आपको ज्योतिष नहीं आती, आपको वास्तु नहीं आता, आपको कुछ भी विज्ञान के बारे में नहीं पता है, आप सिंपल और सिंपल तरीके से केवल अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान करके बैठ जाओ, रात को सोते समय उस संकल्प को अंदर में एक देखना चालू कर दो, एक फील करना चालू कर दो, नींद में जाने से पहले आप उसको फील करना चालू कर दो, उसकी पिक्चर को देखना चालू कर दो, तो अपने आप क्या होगा कि उस घटना को ऊर्जा मिलने लगेगी और जितनी जितनी ऊर्जा उस घटना को मिलने लगेगी वो घटना बनती जाएगी और आपके नज़दीक आती जाएगी। तो हमारे सबके पास वो शक्ति है ही, वो ऊर्जा है ही। बात ये है कि हमारी ऊर्जा बहुत सारी जगह एक साथ में एक समय में फैली हुई रहती है। हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, 10 चीज़ें एक साथ में चाहिए। अब जब 10 चीज़ें एक साथ में चाहिए तो जो मेन टारगेट है वो छूट जाता है। केवल इतनी सी बात है कि हमको हम अपने लक्ष्य से इसलिए भटकते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं समृद्ध बनूं, मेरे पास पैसा आए, लेकिन अभी क्या है कि इसके पास ऐसी गाड़ी है तो मुझे भी वही चाहिए, ये ऐसा वाला घर, इसने ऐसा बनाया तो मुझे भी ऐसा चाहिए, मुझे कपड़े में ऐसा चाहिए, मुझे खाने पीने में ये चाहिए, मुझे इस तरह की परिस्थितियाँ चाहिए, इसका वैसे नहीं होना चाहिए, इसका ये वैसा होना चाहिए। अभी इतनी सारी जगह हमारी ऊर्जा फैली हुई है और हर समय फैलती ही जा रही है। तो क्या होगा कि आपका जो मेन टारगेट जो है उस पर उतनी ऊर्जा, उतना फोकस नहीं हो पाया, इसके लिए आप उतने, आपको वो चीज़ नहीं मिल पाई। बहुत सिंपल से गणित है। तो जब अगर किसी को ये समझ आ जाए तो बताओ हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारा समय हो रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल एक विषय है ऊर्जा को लेकर के, जिसको हम बहुत बहुत तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि आज हमने वास्तु के बारे में समझा या वास्तु के बारे से लगा करके अपने विचारों और अपने औरा तक के बारे में समझा। अब इसी को हम कभी तंत्र मंत्र यंत्र ये सारे विज्ञान क्या हैं और कैसे इन ऊर्जाओं को बदला जा सकता है, या हम क्या ऐसा ध्यान करें, क्या ऐसी क्रिया करें जिससे कि ऊर्जा को बदल सकते हैं, तो उन सब के बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति, ओम शांति।